শ্রী সিদ্ধান্ত সরসতি বিজয়ী গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদি শ্রী নন্দনন্দন বন্দে রাধিকা চরণোদয় गोपीजनौसमुखन मनोहर <coughs> वाछा कल्पतर व्यव कृपा सिंधुब पति पा बुने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंगिपातम हंग बंदे परमाधव

गौरी पत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदर धेय सदा पिभवग्न भविष्य दोहम तेतास्पद शिव विरचन तम शरण्यम ভেতা বন্দে মহাপুষ তে চলবন খচন্দমি ছটা বিসুজমি গোবধু সৌর্ণানুরাগর সসাগর সারমূর সারাধিকা কৃপা করো श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभुनता नंद श्रीअत गदाधर शिवासादी श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभुनता नंद श्रीअत गदाधर शिवासादी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे হরে ররে রাম 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 হরে আজানুম্বিত ভুজৌ কনকত সংকীর্তনৈকিতর কমলা হতা বিশাম্বর দ্বিজ ভর যুগ ধর্ম পালো বন্দে জগৎপ্রিয় কর করুণা ভতারৌ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে আজানুলম্বিতভুজৌ কনক বতো সংকীর্তনৈকর কমলা হতাক্ষ विषाम भरु दिज भर जुगधर्म पालो बंदे जगत प्रिय करु करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, 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 राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति भावानुरूपे न सदा नम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरीर विभूषी तब भागण प्रियमदारम वसीपुरपति भजबीशनाथ वागी सजुस्वी लक्ष्मीजश वसी ये हृदय संबी सिंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, राम राम हरे नमो महाबना कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण किश्ना चैतन्य नाम ने गौरव तीस नम गौर, गौर गोष्ठीपति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भ्रपात परमश जगत गुरु जी ने बताएं मनुष्य जाति हम लोग दया का भिखारी है हम लोग दया का भिखारी है दया मांगते हैं गौरी गोष्ठी भौती भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समीर हो परम से जगत गुरु जी ने बताए मनुष्य जाति हम लोग दया का भिखारी है हम लोग दया मांगने जाते हैं किसका पास जिसका पास जिस विषय में मैं दया मांगते मांगने के लिए आता इस विषय जैसे कोई विद्वान है उसका पास विद्या मांगने के लिए मैं जाता हूँ किसका पास धन ज़्यादा है मैं धन मांगने के लिए जाता हूँ अर्थात किसी का किसी का पास अगर मांगने जाए तो ज़रूर हमारा अंदर में अभाव का महसूस ज़रूर है अगर हमारा अंदर में अभाव का कोई महसूस नहीं है तो दया मांगने जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता दया मांगने तो तब जाता है जब सोचता है कि मेरा जो पर्सनल एफर्ट मेरा जो प्रयास प्रचेष्टा मेरा जो दम है इसमें कुछ होने वाला नहीं है जब आदमी सोचता है मेरा अंदर में इतना कोई क्षमता नहीं है इस समस्या का मैं समाधान कर सके इस समय किसी ऊंचा आदमी का पास क्षमा मांगने के लिए किस दया मांगने के लिए आदमी जाता है अगर अपना अगर अपना अंदर में अभाव नहीं महसूस होता तो दया मांगने का कोई सवाल ही नहीं है वो बात कहते हैं हम अगर दया मांगने जाए तो जिसका पास दया मांगने जाए जिस विषय पर तो ज़रूर ये ऊंचा है बहुत ऊपर का इसीलिए मेरा सर झुक गया इसीलिए मैं सेवा मांगने के लिए जा रहा हूँ अगर अपना अंदर में कुछ कमी महसूस नहीं हो रहा है तो दया मांगने के लिए जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता कोई ऊंचा आदमी का पास जाए कोई जिसका पास जाके अपना वीकनेस महसूस होता है और अपने आप सर झुक जाता है जैसे हिमालय का पास पहुँचे हिमालय का पास पहुँचने का पास अपना छुद्र अपना क्षुद्रता का अनुभव होता है कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति के पास जाए कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति के पास जाए तो मैं कितना मूर्ख हूँ ये पता चलता है अब तो मेरा सिर मेरा सर झुक जाता है इसीलिए सबसे बड़ा विषय ये है हमारा अंदर में चाहत क्या है त्रिनाद विभाव है कि नहीं त्रिनाद विभाव हमारा अंदर में है कि नहीं अगर त्रिनाद विभाव हमारा अंदर में नहीं है तो दैन्य नहीं है दैन्य नहीं है तो दया का भिकारी मैं नहीं हूँ तो श्री चैतन्य वहाँ पर सबसे बड़ा दानी है दान सबसे बड़ा दानी है श्री चैतन्य महाप्रभु इसका पास दया दया मांगने के लिए जाने का तभी अनुभव महसूस होता है जब अनुभव में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु छोड़कर जगत में श्री चैतन्याद कृष्णाद जगति न परतत्व परम श्री महान श्रीमान महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का बाद उसका ऊपर कोई ऐसा कोई नहीं है इससे बड़ा दानी इससे ऊपर कोई नहीं पौतत्व का एक्सट्रीम लिमिट है परोतत्व का एकदम एक्सट्रीम लिमिट है श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए मानव मानव जाति का इतिहास में इतना बड़ा अवदान इतना बड़ा अवदान कभी सोच भी नहीं सकता जो क्योंकि कृष्ण प्रेम सबसे अनमोल संपत्ति है बाकी जितना सारे संपत्ति हमारा जिंदगी में है सब छोड़ के जाना पड़ेगा हमारा जिंदगी में जितना ज़मीन जाएगा जमीन जायदा सम्मान इज्जत जितना कुछ है तारीफ़ है सब छोड़ के जाना पड़ेगा ये रहेगा नहीं लेकिन आत्मा का लिए सबसे बड़ा आ, आत्मा का लिए सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो संपत्ति है यह कृष्ण प्रेम जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग हम लोग को दिखाया काल यहाँ तक चर्चा किया यहाँ तक हम लोग चर्चा किया कृष्णो गुरुद्वय भक्तो अवतार प्रकाश शक्ति परतत्व तो अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण स्वयं हैं तो कृष्णो गुरुद्वय भक्तो अवतार प्रकाश शक्ति कृष्णो गुरुद्वय माने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों मिलके एक तत्व और भक्तो अवतार प्रकाश शक्ति भगवान परत्पर अखिलेश्वर भगवान परत्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण हैं स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण हैं आवार स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य एक ही है ये छय तत्व तो, बनकर भगवान दुनिया में कृपा वितरण करते हैं छय तत्व कृष्णो गुरुद्वय भक्तों अवतार प्रकाश शक्ति क्षय रूप धारण करके भगवान छय तत्व लेकर जगत में कृपा वितरण करने के लिए आते हैं यही छय तत्व को चरण बंधन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये छय तत्वों का चरण में भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए चरण बंदन करते हुए हम लोगों को पेश कर रहे हैं पोथों में सामान्य को मंगलाचरण पहले प्रिलिमिनरी रूप से सामान्य रूप से मंगलाचरण किया उसके बाद उसके बाद उसके बाद विशेष रूप में सामान्य मतलब जिसमें मंगलाचरण का प्रिलिमिनरी उद्देश्य पारपास जो है ये प्रकाशित होता प्रथम सामान्य कोरी मंगलाचरण पहले ही बताया था वंदे गुरुण ईशो भक्त्यान ईशो मीशावतार तत्प्रकाश तत्प्रकाश्चो तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगकम वंदे बोल के मंगलाचरण में वंदे वंदना करते हुए गुरुणो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु पद्म प्रदर्शक गुरु सारे হ্যাঁ ঈশ ভক্ত শিবাস আদি ঈশো ভগবান স্বয়ং ঈশার অদ্বৈত গোসাই তৎপ্রকাশ নিত্যানন্দ তৎশক্তি গদা গদাধর আদি এ লেকার পুরা একদম এক তত্ত্ব অদ্ভয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গকম অর্থাৎ কৃষ্ণ চৈতন্য নাম পে সামগ্রিক রূপ কৃষ্ণ চৈতন্য নাম পে অ্যাজ এ হোল ये कृष्ण चैतन्य एक, एक तत्व है कृष्ण चैतन्य एक तत्व ज्ञान तत्व कृष्ण चैतन्य संगकम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभ एक तत्व है लेकिन ये रूप धारण करके जगत को कृपा करने के लिए आते हैं भगवान अद्वैय ज्ञान तत्व सिंगल बट इन सिक्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट इन कृपा इन द होल यूनिवर्स कि को विराज गोस्वामी सामान्य रूप प्रीलिमिनरी वंदना करते हुए इसके बाद विशेष वंदना स्पेशल वंदना इसके बाद स्पेशल वर्णना कर रहे हैं प्रीलिमिनरी वर्णना में ये सब है और मंत्र गुरु आर जतो शिक्षा गुरु गण तहार चरण आगे कोरियो वंदन काल हम इस विषय पर चर्चा किया जे क्यों कृष्णदास कबिराज गोस्वामी मंत्र गुरु जितना सारे दीक्षा गुरु सारे हैं सब लेके सिंगुलर नंबर सिंगुल सिंगुलर नंबर यूज कर रहे हैं मंत्र गुरु आर तो शिक्षा गुरु कौन तहार चौर आगे कोरिया बन मतलब कृष्णदास कबिराज गोस्वामी कहना चाहा कहने का मतलब है कृष्णदास कबिराज गोस्वामी का कहने का मतलब है मंत्र गुरु शिक्षा गुरु बाहरी विचार में बाहरी विचार में अलग अलग है मंत्र गुरु है शिक्षा गुरु बहुत है लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक तत्व को डिनोट किया एक तत्व बहु नहीं देखने में बहु है मंत्र गुरु आर जतो शिक्षा गुरु गण तहार चौर आगे कोरियो बंदन सिंगुलर नंबर यूज किया है मतलब एक सिंगल तत्व को अनुभव करने के लिए हम लोगों को शिक्षा दिया इसके बाद जो स्वामी गोस्वामी स्वामी कृष्णदास को विराज गोस्वामी कृष्णदास को विराज गोस्वामी ये जितना सारे स्वामी हैं स्वामी का चरण में विनम्र निवेदन कर रहे हैं क्योंकि रभग से बात सनातन गुस्साई भट्ट भट्टो रघुनाथ जी श्री जीव गुस्से गोपाल भट्टो दास रघुनाथ ये सारे जो हैं इन सभी का चरण में अपना ग्रैटिट्यूड अपना जो अपना जो आभारी ज्ञापन कर रहा है चाहे हम कृतज्ञ हैं वैष्णव जगत का सबसे बड़ा चीज़ ये है किसी से अगर जारा सा भी किसी से अगर जारा सा भी हमने शिक्षा लिया किसी दाम लिया किसी का सहायता लिया इसके लिए ऑलवेज हमारा अंदर भी भाव इन्होंने मेरे को ऐसा कृपा किया कोई अगर कुछ कृपा किए जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद अपना शिष्य लोगों का अपना शिष्यों लोगों को अपना शिष्य लोगों का वंदना करते हुए हमारा प्रशंसा करते हुए कहा ये हमारा सब गुरु वर्ग है ये हमारा शिष्य नहीं है गुरु वर्ग है ये सब मेरा गुरु वर्ग है इन्होंने मेरे को संभाल रहा है ये लोगों ने मेरे को संभाल रहा है मेरा गुरु सेवा में सहायता कर रहा है इसलिए हम इन लोगों का पास आभारी ज्ञापन कर रहा हूं इसीलिए श्री रूप गोस्वाई पाद छय गोस्वामी का चरण में श्री लक्की को विराज गोस्वामी अपना भाव को ज्ञापन करते हुए कह रहे हैं श्री रूप सनातन भट्टो रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ ए छय गुरु शिक्षा गुरु जे अमार तावार पद पद में कोटि नमस्कार ये लोगों को शिक्षा गुरु माना है श्री चैतन्य महाप्रभु कहा ये जो श्री चैतन्य चरितम तो श्री चैतन्य चरितम्य तो को जो लिखने का समय ये कृष्णदास कबिराज गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से जीव गोस्वामी से सब कोई से रघुनाथ दास सब कोई से सब किसी से सहायता लिया सहायता लेके फिर से चैतन्य चरितमित नामक एक महाकाव्य ग्रंथ का रचना किया है ऐसा किताब जगत में सुदुर्लभ है सुदुर्लभ ऐसा किताब जगत में सुदुर्लभ है मानो कि श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं इसी चैतन्य चरितमित में स्वयं विराजमान है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टोदास रघुनाथ यही छय गुरु शिक्षा गुरु जे ता तावार पाद पद में कोटि नमस्कार ये मेरा छय शिक्षा गुरु है ये छय शिक्षा गुरु का चरण में मेरा सहस प्रणाम ज्ञापन करते हुए फिर ईशा अवतार अद्वैत तो आचार्यों का चरण में प्रणाम और उसका वंदना कर रहे हैं अद्वैत तो आचार्य प्रभु अंश अवतार जार पाद पद में कोटि प्रणति अमार अद्वैत तो आचार्यों का अद्वैत तो आचार्य जी का ये तत्व हमने बताया था महाविष्णु जगत कर्ता महाविष्णु जगत कर्ता मायाया जो स्रीज्योति अदह तस्वतार एव अयम अद्वैत तो आचार्य ईश्वर यहाँ अद्वैत तो आचार्य प्रभुर अंश अवतार ये अंश अवतार है इनके चरण कमल में मेरा कोटि कोट कोट प्रणति ज्ञापन करता हूँ नित्यानंद प्रभु ये स्वरूप प्रकाश नित्यानंद स्वरूप भगवान का पहला प्रकाश है भगवान का स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पहला प्रकाश है जैसे बल्लाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का पहला प्रकाश है एक ही है ये जो बहल, बल्लाव जी महाराज यही नित्यानंद रूप पाकर क्या ये नित्यानंद का स्वरूप लेकर हमारा गौर लीला में अवतीर्ण है एक ही है चैतन्य भागवत में ये नित्यानंद गौर का बारे में सोची माता सोची मैया ने बहुत सारे सपने देखी हैं बहुत सारे सपने देखे हैं और बहुत सारी घटना को अनुभव किया है मन महसूस की थी सो so, नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश नित्यानंद राय नित्यानंद राय गौरंग महाप्रभु का स्वरूप प्रकाश तार पाद पद में बंधु जार मुई दास तो नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का स्वरूप प्रकाश है इनके चरण में मेरा करोड़ों नमस्कार है बंधन है तार पात तार पात पद्म बंदो जार मुईदास कृष्णदास विराज गोस्वामी आपने को श्री नित्यानंद अवधूत नित्यानंद प्रभु का दास मानते हैं क्यों हमने बताया था नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कोविराज गोस्वामी का सपने में आए सपने में आकर कहे उठो 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 उठो, उठो कृष्णदास उठो जल्दी वृंदावन जाओ ये आदेश किया था नित्यानंद जाओ जाओ वृंदावन जहाँ स्वर्वलभ है तुम वृंदावन जाओ उठो कृष्णदास कुराज गोस्वामी सो रहा था सोते हुए सपने में आया नित्यानंदो, अब बताया उठो उठो कृष्णदास जल्दी वृंदावन जाओ जहाँ सर्वोलभ है जहाँ तुमको सब मिलेगा तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा जो ख्वाहिश है आशा है सब कुछ पूर्ति होगा वृंदावन में जाओ क्यों वृंदावन में रूप गोसाई है सनातन गोसाई जिब गोसाई पाद रघुनाथ सब एक से एक बड़े बड़े महात्मा भगवान का निजी जन विराजमान हैं, तो वहाँ जाने से सर्वलभ है और इसके बाद कृष्णदास कुराज गोस्वामी तो नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद बाबू को कृष्णदास कुराज गोस्वामी दा गुरु मानता है जिसका मैं दास हूँ मैं उसके दास हूँ गोदाधर पंडित गोस्वामी प्रभुर निजो शक्ति प्रभु का अंतरंग शक्ति है गदाधर पंडित जैसे हर कीर्तन में चैतन्य भागवत चैतन्य लिखा है गदाई गौरांग गदाई गौरांग गाधरे प्राणोनाथ ऐसा प्रचार है दुनिया में गदाधर पंडित आदि प्रभुर निजो शक्ति गदाधर पंडित आदि आदि क्यों बताया क्योंकि गदाधर पंडित गदाधर पंडित मूल शक्ति है गदाधर पंडित ओरिजिनल शक्ति राधारणी श्रीमती राधारणी गदाधर पंडित मूल शक्ति हैं गदाधर पंडित से गदाधर दास है एक कैलकाटा कोलकाता आड़िया दहो में नॉर्थ कैलकाटा में दक्षिणेश्वर नाम सुना है दक्षिणेश्वर का बगल में वहाँ आर्या गाँव है वहाँ ये गदाधर दास का श्रीपाठ है बड़ा प्रभावशाली मैंने गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी है गदाधर दास श्रीमती रानी का अंगो है बॉडी फॉलजेंस विच टूक द फॉर्म ऑफ गदाधर दास इन्होंने कितना प्रभाव दिखाया गदाधर दास मुसलमान को परिवर्तन कर दिया मुसलमान इसको भक्त बना दिया हाँ गदादर पंडित आदि तो गदाधर दास हैं बक्केश्वर पंडित हैं बहुत सारे राय रामानंद हैं सौरभ गोसाई सौरभ गोसाई कौन है ललिता सुखी राय रामानंद विशाखा सुखी सब शक्ति है हमारे एक एक शिवानंद सेन चंपक मंजूरी सब कृष्णदास कुराजो से स्वयं स्वयं कस्तूरी मंजरी हैं सारे सोनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं रूप गोसाई पाद रूप मंजूरी हैं शिलो जीबू गोसाई पाद जी जीबू हैं स्वयं क्या है बिलास मंजरी हैं है, सब सर एक, -एक सब मंजूरी गौरलीला का ये सबसे बड़ा स्पेशलिटी है गौर भजन में सबसे बड़ा फैसिलिटी है दोजू आर डूइंग गौर भजन गौर भजन में डबल बेनिफिट गौर भजन में जब सिद्धि मिलता है तो एक स्वरूप में कृष्णलीला में कृष्णलीला में स्थान मिलता है और स्वरूप में गौरांगलीला में जैसे रूप सनातन लीला में एक स्वरूप है और श्री कृष्ण लीला में लवंग मंजरी, रूप मंजरी ऐसा है रघुनाथ दास गोस्वामी रोति मंजरी है गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है सब मंजरी, सब सखी बाहरी दृष्टि में दे आर विद मेल बॉडी लेकिन अंदर में वो लोग जानता है एक स्वरूप में लीला में स्थान मिलता है गौर भजन का दैट इज द मोस्ट यू नो एडवा बिग एडवांटेज फैसिलिटी जब गौरलीला में जब सिद्धि होती है सिद्धि जब होती है गौरलीला में एक स्वरूप में लीला में स्थान मिलता है और दूसरा स्वरूप में कृष्णलीला में स्थान मिलता है तो गोदाधर पंडित आदि आदि मैंने एक्सेट्रा सब व्याख्या किया গদাধর পণ্ডিত আদি প্রভুর নিজ শক্তি তা সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি থাউজেন্ডস অফ দণ্ডবত প্রণাম আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ভগবান স্বয়ংরূপ ভগবান মিন স্বয়ংরূপ ভগবান মীন হি নিড নট ডিপেন্ড অপন এনিবডি ফর এনিথিং फ्रॉम हिम एवरीबी कमिंग इन नॉट श्री कृष्ण चैतन्य महापुर स्वयं भगवान स्वयं रूप भगवान का तात्पर्य ये है जो भगवान का जो भगवान का जो स्वरूप है जिससे बाकी सब आए हुए हैं इनको किसी के ऊपर डिपेंड करने का जरूरी है नहीं ये है स्वयं रूप भगवान শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান তাহার পাত পদ মে অনন্ত প্রমাণ ইনফিনিটি অনন্ত প্রণাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ক চরণ কমল মে প্রণাম তাহার পদারা বিদে অনন্ত প্রণাম জ্ঞাপন করতে হ্যাঁ শা আবরণে পভুরে করিয়ে নমস্কার শাবরণ মনে শাওয়ারণ মনে মহাপ্রভু টুগেদর বিথ অল ইস প্যার ফর্নালিয়া स्वावरण में कवरिंग, कॉवरिंग हियर में पैराफर सो so, लिखा है श आवरण स्वावरणे पभुरे करिय नमस्कार स्वावरण ऑल भगवान का जितना सारे परिकर है सब कुछ लेकर एक साथ में सब कोई को आभार ज्ञापन कर रहा हूँ प्रणाम ज्ञापन कर रहा हूँ बिनाम्रभाव से এ ছয় তহ এই ছহো জ করিয়ে বিচার এ ছয় যে তত্ত্ব ছয় তত্ত্বা বারে বোলা কৃষ্ণ গুরুদ্ভয় ভক্ত অবতার প্রকাশ শক্তি এই ছ তত কও ইন্ডিবিজুল বিচার হো মানে এ ছয় তত্ত্ব অলগ অলগ সে বিচার আবি कृष्णदास विराज गोस्वामी कह रहे हैं दीखा गुरु का पहले वंदन कर रहे हैं यद्यपि अमार, अमार गुरु श्री चैतन्य दास तथापि जानिए आमी तार प्रकाश यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिया आमी तार प्रकाश यद्यपि मैं जानता हूँ भी मेरे को मालूम है मेरा गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु का दास है फिर भी मैं ये समझता ये समय ये समझ रहा हूँ कि ये हमारा गुरु जो है भगवान का प्रकाश है चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश है गुरु कृष्ण स्वरूप शास्त्र है न गुरु तत्वों तो का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं गुरु तत्वों तो का धीरे धीरे व्याख्या करने जा रहे हैं गुरु कृष्ण स्वरूप शास्त्र प्रमाण गुरु जो है गुरु रूप धारण करके भगवान हमको उद्धार करने के लिए जगत में उतारे आए भगवान स्वयं भगवान स्वयं गुरु रूप धारण करके जगत में अवतीर्ण हुए हैं हमको बचाने के लिए बद्ध जीव को सो so, गुरु कृष्ण स्वरूप हुआ शास्त्र प्रणाम जो भागवत जी महापुराण में श्लोक आता है जनस्व कृष्णाद विमुखस्व दैवाद अधर्म शील स्व सुदुखित अनुग्रहा चरंति नूनम बहुत भाव्याणी जनार्दनष भगवान का निजी जन है गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेय प्रमाण भगवान भागवत जी महापुराण में या यहाँ बहुत सारे शास्त्र प्रमाण के अनुसार भगवान ने खुद बताया आचार्यो माम भी जानिया आचार्यो माम भी जानिया नो इट फॉस आई एम माई सेल्फ भगवान उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं जे यूं समझ लो कि मैं खोद आचार्य हूँ आचार्यो माम मन्ने तो कर ही चित्त मर्तु बुद्ध्या असुए तो सर्वदेवमयो गुरु भगवान स्वयं बोला गुरु कृष्णो रूप ऑन शास्त्र प्रमाण ऑल डिफरेंस शास्त्र अलग अलग जीवन शास्त्रों का विचार देखो या देखो के गुरु कृष्ण स्वरूप शास्त्र प्रमाण गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण गुरु रूप धारण करके गुरु रूप धारण करके कृष्ण सब को कृपा करने के लिए आते हैं गुरु रूपे पौपात कह रहे हैं भगवत कृपा काल हम चर्चा करेंगे इस विषय में बहु तो बात कह रहे हैं भगवत कृपा कभी भगवत कृपा कभी डायरेक्टली नहीं आता है भगवत कृपा कभी डायरेक्टली नहीं आता है भगवत कृपा गुरु वैष्णव का माध्यम आता है गुरु भगवत कृपा गुरु वैष्णव का माध्यम आता है डायरेक्ट नहीं आता है गुरु कृष्ण रूप अंध शास्त्रीय और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तों गुरु रूप धारण करके अगर कहे कि महाराज वैष्णव रूप धारण करके नहीं करता अब समझा नहीं जो वैष्णव वही गुरु है जो गुरु है वही वैष्णव है हो सके कि किसी से हमने विशेष मंत्र प्राप्त किया मेरा मंत्र गुरु ठीक है लेकिन भक्ति मंत्र और कह रहे हैं जो गुरु वही वैष्णव जो वैष्णव वही गुरु तो मतलब दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु गुरु रूप धारण करके भगवान जगत में कृपा वितरण करने के लिए आते हैं इसलिए बोला गुरु कि गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तों घने भगवान डायरेक्टली किसी का ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आता है। गुरु वैष्णव का माध्यम गुरु वैष्णव का माध्यम भगवान जगतवासी को कृपा करने के लिए उतारे आते हैं नियम हैं जो हमने बचाए आचार्य माम बीजानियात नवमन मन्नेत कर हिचित नव मर्त बुद्धिया तो सर्वदेव आई ऑलरेडी टोल्ड भगवान श्री कृष्ण टोल्ट उद्धव जी को बताया ये बाद में दिया एक ही श्लोक जो हमने बताया फिर दीक्षा गुरु का बाद दीक्षा गुरु, गुरु का बाद शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप देखो क्या बताया यहाँ बताया गुरु कृष्ण रूप हंश शास्त्र पमाने गुरु कृष्ण रूप हंश शास्त्र पमाने गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तों को ये बताया फिर इसका बार बार आया शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप तो पहले क्या बताया दीक्षा गुरु का बारे में जद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि तो जानिए हमी तहार प्रकाश दीखा गुरु को कैसे बताया अमार गुरु चैतन्य दास बिल आई नो इट पर सियो ही इज दश ऑफ तो दीखा गुरु को माना गया तो दीखा गुरु को प्रकाश माना गया तो फिर दीक्षा गुरु को मेरा दीक्षा गुरु को कृष्ण का प्रकाश माना गया और शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप माना अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठो गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठो ऐुरु ठीक है शिक्षा गुरु के तो जानी क्या बोला शिक्षा गुरु के तो जानी किसने स्वरूप जो भजन जिन जिन गुरु से गुरुदेव गुरुदेव का कृपा से हमको मंत्र मिला है गुरुदेव का कृपा से मेरे को मंत्र मिला है गुरुदेव हमको संबंध ज्ञान बना दिया भगवान का साथ हमारा क्या संबंध है दीक्षा गुरु मेरे को मंत्रो दान करके दीक्षा मंत्रो मेरे को संबंध जोड़ दिया ठीक है जोड़ दिया और अगर दीक्षा गुरु का बाद दीक्षा गुरु का इजाज़त दीक्षा गुरु का इजाज़त लेके अगर तो किसी गुरु का पास हम गए कुछ सीखने के लिए किसी गुरु का पास हम गए सीखने के लिए जैसे जैसे हमारा आ, क्या कहें श्यामानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु को श्यामानंद प्रभु, प्रभु को इनके गुरु भेज दिया जीव गुस्से पा जीव गुस्से पा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को, को जीव गुस् का बात भेज दिया तो तुम उधर जाओ उसका पास शिक्षा ले लो फिर नरोत्तम तो ठाकुर का गुरु लोकनाथ गोस्वामी वो भी उनको भेज दिया जाओ जीव गोसाइ पास जाओ वहाँ शिक्षा ले लो तो इनके अपना अपना गुरु, तो गुरु तो है ही है दीक्षा गुरु तो हैं लेकिन फिर भी इन लोगों ने भेज दिया शिक्षा गुरु का पास जाओ कोई बात नहीं तो अगर कृष्ण भक्ति शिक्षा के लिए भजन शिक्षा अगर भजन शिक्षा के लिए मेरा गुरुजी का अनुमति परमिशन लेकर अगर किसी वैष्णव के पास जाए उन्होंने अगर मेरे को भजन शिक्षा दे दे तो मेरा ये शिक्षा गुरु है जिससे जो कुछ भी सीखे वो मेरा शिक्षा गुरु है कोई बात नहीं जिब गो सही बात को नित्यानंद भेजा नित्यानंद वो भेज दिया पहले वाराणसी गया जीव गो बात मधुसूदन सरस्वती ये सार्वभौम अट्ठाचार्यों का शिष्य है मधुसूदन सरस्वती वेरी फेमस मैन इन वाराणसी वेदांतो तो सार्वभौम भट्टाचार्यों का सार्वभौम भट्टाचार्यों का जिंदगी जब परिवर्तन हो गया जब सार्वभौम अट्टाचार्यों का जिंदगी में परिवर्तन हो गया तो ये ये मधुसूदन सरस्वती ये भी गौरी वेदांतों का बारे में ही बताया जीवको से बात यह वाराणसी में थोड़ी देर के लिए रुका और शिक्षा लेके फिर वृंदावन गया था सो शिक्षा गुरु के सरूप तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठो यही दो रूप पोपात कह रहे हैं जी जो जिन्होंने मेरे को हरिभजन सीखा जिन्होंने मेरे को हरिभजन शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने मेरा ज़िंदगी में हरिभजन शिक्षा दिया है, ये मेरा शिक्षा गुरु भजनहीन जिसका जिंदगी में जिंदगी में कोई भजन नहीं है जो दुराचार जो आचार जो नहीं है इसको मैं शिक्षा गुरु का रूप में ग्रहण नहीं कर सकता जिबगोसाई पाद जी ने संदर्भ में लिखा है जीव गोसाई पाद जी ने संदर्भ में लिखा है गुरुवा गया जिबोसाई पाद जी ने संदर्भ में लिखा है गुरुवा गया बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम गुरुदेव दीक्षा गुरु गुरुवा गया तत्सेवन तो अविरोधेन चन्म ओपी अन्यषम ऑफिस सेवनम श्रेय अर्थात जीव से बात लिख रहे हैं हमारा दीक्षा गुरु का इजाज़त परमिशन लेकर अगर हम किसी शुद्ध गुरु वैष्टव की सेवा करें शिक्षा लेने के लिए ये ये विचार ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है मेरा जो गुरु है मेरा गुरु जो सिखाया है इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए मेरा दीक्षा गुरु का सम्मान मेरा दीक्षा गुरु का इज्जत मेरा दीक्षा गुरु का सिखाया हुआ जो तत्व सिद्धांत तो है इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए तो गुरु जी का परमिशन लेके भक्तों किसी शुद्ध गौरीय भक्तों हमारा संप्रदाय का हमारा संप्रदाय का कोई शुद्ध भक्तों का सेवा करे इसमें कुछ खराबी नहीं वेरी गुड इसमें भजन में पावा आता है सो जीव गुस्सा बात कह रहे हैं जे गुरया तत् सेवन अविरोधेनु चुर्बक गया च अन्य शाम ओपी वैष्णवानम सेवनम सेय इट इज वेरी गुड इट कैन गिव यू बैकिंग लेकिन इसमें एक विशेष है इंपॉर्टेंट जिस चीज़ है सीखना जो कोई अगर कहे महारा महाराज कोई अगर कहे चार संप्रदाय में चार संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय का शुद्ध भक्तों का हमने संग किया सीखने के लिए गया अगर कोई कहे हम चार संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय में शिक्षा गुरु ले लेंगे ये अगर विचार करे माधाचार्य हो जो विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य जो कोई चार संप्रदाय में किसी को भी मैं शिक्षा गुरु ले सकता जीवो को से बात बोला वेल इट इज गुड नॉट बैड बट वी केयरफुल सजातिरास स्निग्धे साधो संगो सतो बड़े जीव को से बात बोला नहीं जीव गो से जी ने ये शिक्षा दी नहीं ये दूसरा संप्रदाय का साधु है उसको अपमान करो इंसल्ट हिम ऐसा बोला नहीं जीव ऐसा शिक्षा दिया नहीं ये दूसरे संप्रदाय का है और वो गुरु जी का सम्मान नहीं देना है ऐसा नहीं बोला जीव साहबा जी ने बोला देखो तुम अगर अपना भजन का तरक्की इंप्रूवमेंट ऑफ योर ओन सांप्रदायिक भजन तुम अगर अपना संप्रदाय भजन का बैकिंग मानते हो अपना अपना ही गौरीय भजन गौरीव भजन अपना ही गौरी भजन का जो जो पावर चाहते हो गौरी भजन को बढ़ाना चाहते हो गौरी भजन तो आप दूसरा कोई संप्रदाय का साधु जाके सम्मान कर सकता पूजा भी कर सकता ऐसा कोई बात नहीं पूजा कर हम भी किया है हम भी किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसको शिक्षा गुरु का रूप में ग्रहण करो प्रिलिमिनरी शिक्षा लेकिन सांप्रदायिक भजन का शिक्षा का बारे में इट इज़ प्रैक्टिकल मोर मोर प्रैक्टिकल टू एक्सेप्ट वन साधु फ्रॉम योर ओन संप्रदाय हायर पोजिशन तुम अगर दूसरा संप्रदाय का कोई अच्छा साधु वो तो गौरी भजन का शिक्षा देगा नहीं ना वो तो गौरी भजन का शिक्षा देगा नहीं तो तुम्हारा क्या फायदा है इसीलिए जीव शेबा बाजी ने बताया सजा तिरास स्निग्धे साधु संगो सतो भरे मोर प्रैक्टिकल टू एक्सेप्ट साधु फ्रॉम योर ओन संप्रदायशन इज मच मोर हायर दैर इज मोर प्रैक्टिकल अभी विचार बनता है कृष्णदास को विराज गोस्वामी गहरा विचार बताया है शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप आज दीक्षा गुरु प्रकाश पहले बता दिया दीक्षा गुरु को प्रकाश मानो भगवान का शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप मानो और शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्णर स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठो ऐ हरि भजन जिनके पास लेने के लिए मैं जाता हूँ ये मेरा शिक्षा गुरु लेकिन जिनका जिंदगी में कोई भजन बोल के कुछ है नहीं जो दुराचार है जो गुरु व आचार्य जो बिल्कुल नहीं है उसका पास जाके क्या करे कुछ फायदा नहीं भजनानंदी भजनानंदी महंत गुरु और भजन अनुकूल विवेक दाता हैं चैत्य गुरु हृदय शिक्षक टीचर अर्थात गुरु शिक्षा गुरु कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगोरी भजनानंदी महंत गुरु हुक्टर बिहेवियर और विचार आइडियालिज़म दे ये जो है भजनानंदी महंत गुरु महंत बिन हुज हिज ओन करेक्टर बिहेवियर एटिकेसी वन कैन अ ग्रेट आइडियालिजम इन माई लाइफ भजनानंदी महंत गुरु और विवेक दाता। भगवान इन द फॉर्म ऑफ चैत्य गुरु स्टेइंग इनसाइड आवर हार्ट यू कैन रिमेंबर आवर फर्स्ट डे आई वाज़ स्पीकिंग प्रथम दिन मैंने बताया था जो कुछ भी शिक्षा मैं लेता हूँ अगर चैत्य गुरु का बैकिंग नहीं है चैत्य गुरु का बैकिंग नहीं है तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट चैत्य गुरु सिटिंग इनसाइड योर बॉडी यू हैव नो इन्फॉर्मेशन यू डोंट नो मैंने एक उदाहरण दिया उदाहरण दिया भक्ति बल्ल उसमें कह रहे हैं मैं एक सिद्धांत विचार कभी कभी गुरु वैष्णव रिपीट भी करता है रिपीट एक सिद्धांत में रिपीट भी करता है महाराज कह रहे हैं मैंने बहुत बार ये सिद्धांत विचार कह दिया इन कोर्स में हरिका था मैनी टाइम आई टोल सेम थिंग बट दैट डे वन मैन फीलिंग रिएक्शन सेम थिंग स्पीकिंग प्रीवियस गे ऑल्सो पर्टिकुलरली दैट डे वैन आई स्पीक इज गेटिंग सम रिएक्शन एंड इज टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ टर्निंग पॉइंट तो मतलब मतलब उसी दिन पहले भी पहले भी ये व्यक्ति सुना हूँ सुने हों पहले बहुत बार सुना लेकिन पर्टिकुलरली उस दिन चैत्य गुरु का बैकिंग मिल गया समझा चैत्य गुरु का बैकिंग मिल गया चैत्य गुरु का जब बैकिंग होता है सारे तत्व सिद्धांतों विचार गुरु भक्ति सब परफेक्ट होता है चैत्य गुरु का बैकिंग नहीं है तो कुछ नहीं है चैत्य गुरु का बैकिंग जरूरी है चैत्य गुरु मतलब अंदर में रहता है भजनानंदी तो गुरु और भजन अनुकूल दाता आवर कंसियसनेस आर पॉजिटिव थिंकिंग ऑल गेटिंग बैकिंग फ्रॉम चैत्य गुरु सो so, शिक्षा गुरु दो किस्म का है ये बाहरी दुनिया में किसी को शिक्षा गुरु ग्रहण किया और एक शिक्षा गुरु अंदर में है कभी सोचते सोचते चिंता करते करते अंदर में विवेक विवेक माने कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो गया अचानक चेंज हो गया तो भजनानंदी गुरु और भजन अनुकूल दाता यू कैन गिव मी कॉन्शियसनेस लेवल थिंकिंग पावर और प्राकृत विवेक विवेक मीन कन्सियसनेस जो विवेक दाता चैत्य गुरु भेदे शिक्षो शिक्षा गुरु दो किस्म का है एक है एक्सटर्नली भजनानंदी महंत गुरु जिसका पास मैं शिक्षा लेने की जाता हूँ ये मेरा शिक्षा गुरु है और एक शिक्षा गुरु अंदर में बैठा हुआ है जो है चैत्य गुरु का रूप में शिक्षक साधो साधन भेदी भजन शिक्षा भेद साधो और साधन ध्यान दे बात पर भजन शिक्षा भजन शिक्षा दो किस्म का होता है भजन शिक्षा दो किस्म का होता है एक है साधु शाद्व साधन भेदे भजन सिक्खा में साधन में आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू अटेन द गोल ठीक है ये साधन हाउ टू प्रैक्टिस हाउ टू प्रैक्टिस परफेक्टली हमारा जो प्रयास प्रचेष्टा साधन भक्ति देर एम डूइंग साधन भक्ति एंड इज गाइडिंग दिस वे यू डू दिस वे परफेक्ट एंड সাধ সাটেনবল অব্জেক্ট এই যে সাধো সাধন ভেদে ভজন এ সাধ্য বস্তু কসে প্রাপ্ত সাধন কেসে পরফেক্টা যায় ভজন শিক্ষা ভেদ সাধো সাধন কবি কবি সাধ্য বিষয় কোপর শিক্ষা কবি সাধনকে উপার কবি বস্তু কোল রে বিশেষ एडवांस चर्चा एडवांस लेवल का चर्चा डिस्कशन अबाउट शादो वस्तु का बारे में और कभी साधन प्रलिमरी साधन कैसे किया जाए ये भजन शिक्षा दो किस्म का होता है कृष्णो प्रदाता श्री गुरुदेव कितन में कितन में हम लोग गाते हैं कृष्णों से तुमार कृष्णो दीते पारो तुम्हारो शक्ति आछे हम लोग कीर्तन में गाते हैं ना किष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हारो शक्ति है यही बोल रहे हैं कृष्ण प्रदाता गुरुदेव मंत्र गुरु मंत्र गुरु हमको कृष्णो प्रदान करने के लिए समर्थ है क्योंकि मंत्रोदान जब गुरु जी मंत्र दिया है मंत्र का माध्यम साक्षात भगवान को दे दिया मंत्र देने का समय में गुरुदेव मेरे को साक्षात भगवान को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ मंत्र नाउ इन कोर्स ऑफ भजन आई टू रियलाइज द गुरुदेव ऑलरेडी गेव कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ मंत्र दैट यू कैन रियलाइज समे तो ये जो है साधु साधन भेदे भजन शिक्षा भेद साधु साधन दो किस्म का इसमें भजन शिक्षा भी दो किस्म का हो सकता है कृष्ण प्रदाता कौन है श्री गुरुदेव हैं शिष्य को संबंध ज्ञान में समृद्ध करके शिष्य को संबंध ज्ञान दान करके समृद्ध करके इनके अंदर में अपना सेवन अनुभूति अपना सेवा का डायरेक्ट रियलाइजेशन गुरुदेव थ्रू गुरुदेव थ्रू गिविंग गुरुदेव थ्रू मंत्र दीक्षा गुरुदेव थ्रू मंत्र दीक्षा गुरुदेव थ्रू मंत्र दीक्षा गोइंग टू हेल्प मी डेवलप संबंध ज्ञान विद भगवान एंड एट द सेम टाइम गोइंग टू इनकाल डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ सेवा वाट गुरुदेव फीलिंग हिम सेल्फ दे आर नाट सर्विंग एंड वाट इज द डायरेक्ट फीलिंग ऑफ शिक्षा इ दे तो ये जो है श्री गुरुदेव कृष्ण प्रदाता कृष्णो प्रदाता कृष्णो देने वाले कृष्णो प्रदाता एक कृष्णो देने वाले गुरुदेव शिष्यों को संबंध ज्ञान में उद्बुद्ध कर, कर संबंध ज्ञान का परिपुष्टि साधन करके इनके अंदर में अपना अधक्ष जो वस्तु सेवा का डायरेक्ट रिलेशन साक्षात अनुभूति का उन्मेष करा देता है उन्मेष करा देता यही दीक्षा गुरु का सामने यही दीक्षा गुरु का सामने यही दीक्षा गुरु से अनुग्रह कृपा लाभ करके सुष्टु अर्थात परफेक्टली विष्णु सेवन शिक्षा ओबिदेव नामे कथित हो अर्थात गुरुदेव पहले संबंध ज्ञान करा देता है संबंध ज्ञान के बाद अपना डायरेक्ट सेवा का डायरेक्ट रियलाइजेशन शिष्य शिष्य का अंदर में डाल देता है दे देता है और शिष्य तब विष्णु अर्थात कृष्ण सेवा का शिक्षा कृष्ण सेवा कैसे किया जाए इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अविधि संबंध ज्ञान जानने का बाद आफ्टर गेटिंग संबंध ज्ञान एट ऑल वेन गुरुदेव इनका गोइंग टू इनकाल सेवा अनुभूति फीलिंग देन यू कैन फील इंटरेस्ट टू डू सेवा डायरेक्ट सेवा ये जो डायरेक्ट सेवा का पद्धति द प्रोसीज्योर थ्रू विच यू आर यू आर डेवलपिंग योर पावर टू सर्व भगवान डायरेक्टली ये है अविधियों डायरेक्ट कृष्ण सेवा डायरेक्ट कृष्ण सेवा का जो शिक्षा है डायरेक्ट कृष्ण सेवा का जो शिक्षा है डायरेक्ट कृष्ण सेवा का जो शिक्षा है ये जो शिक्षा इसका नाम है अविदेव आश्रय विग्रह गुरु शिक्षा गुरु आश्रय विग्रह आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु ओविदेव विग्रह आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु ये अविधे विग्रह अर्थात रूप को अवैध ज्ञान आचार्य अवैध ज्ञान का तत्वाचार्य कौन रूप गोषप सनातन गोस्वामी बात संबंध ज्ञान का आचार्य है और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयजन तत्व का आचार्य गौड़ीय समाज में नियम है तो ये जो आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु अवैध विग्रह सो, सो वही आश्रय संबंध ज्ञान दाता दीक्षा गुरु से पृथक नहीं है अभी ये क्वेश्चन आ सकता है वन क्वेश्चन कैन बी देर वाई जीव गोह वाई कृष्णदास गुरु कविराज गोस्वामी गोइंग टू यू सिंगुलर नंबर वेर इज यूज शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सो मेनी वाई यूज यू दैट एंसर प्रोपात गिविंग प्रोपाथ स्पीकिंग संबंध दाता दीक्षा गुरु और ओविद्यो अर्थात हाउ टू सर्व भगवान ये ओविद्यो ओविद्यो जो शिक्षा ओविदियों भजन का जो शिक्षा है ये दोनों जो देता है दोनों में कुछ अंतर नहीं है नो no डिफरेंस देखने में बाहर में डिफरेंस है लेकिन विचार करो तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है देखने में अलग है शिक्षा गुरु अलग है गुरु अलग है लेकिन विचार करके देखो दे एस्प तत् बोथ आर द सेम बहु बात कह रहे हैं वही दिखा गुरु का पास से कृपा लेकर परफेक्टली कैसे भगवान को सेवा किया जाए इसका अगर शिक्षा में ले रहा हूँ ओविद्यो न में परिचित हो सो आश्रय विग्रह आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु ओविद्यो विग्रह आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु अविद विग्रह हैं, सो so, यही आश्रय विग्रह संबंध ज्ञानदाता गुरु जी से कैसे अलग हो सकता है एक ही है ये तो एक ही है, अविदो विग्रह हैं क्या बताया क्या बताया हमने आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु अभिदो विग्रह सो so, वही आश्रय विग्रह संबंध ज्ञानदाता दीक्षा गुरु से कभी पृथक वस्तु हो ही नहीं सकता एक ही है एक तत्व है वही आश्रय विग्रह संबंध सम्बन्ध ज्ञानदाता दीक्षा गुरु से पृथक नहीं है जो ही दीक्षा गुरु वे सेम शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु इज इक्वल टू दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु इज इक्वल टू शिक्षा गुरु बट वन स्पेशल थिंग इज है जब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु परम गुरु सब एक असेंबली में व्हेन यू कैन डिस्कवर योर परम गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु ऑल इन सेम वन असेंबली फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम यू विल हैव टू पे प्रोनाम टू टूअर लिटल स्पीड ऑफ अ दीक्षा गुरु दो ऑल सेम एक असेंबली का अंदर में यू समझो कि एक असेंबली का अंदर में परम गुरु जी विराजमान है जैसे हम उदाहरण दे दे किश्वदास कविराज किस किस आ, हमारा आ, क्या कहें श्यामानंद प्रभु जिसका नाम दुखी किशोरदास इसलिए बार बार किशोरदास आ जाता है उसका पहला नाम था दुखी ये समानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु श्यमानंद प्रभु दीक्षा देते थे

रसिकानंद हो बिकॉज यू नो ही इज ऑल्सो पावरफुल यू कैन गिव दीक्षा रसिकानंद प्रभु मेकिंग एन अदर डिस गिविंग ऑट एव दीक्षा समझा तो रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु है ऑल प्रेजेंट तो जब एक साथ उपस्थित है तो हमारा कर्तव्य है इट इज माई ड्यूटी टो प्रय प्रणाम आन टू द लोटस फीट ऑफ दीक्षा गुरु फास्ट क्योंकि उन्होंने मेरे को संबंध उन्होंने मेरे को संबंध क्न दिया संबंध कह दिया संबंध दीक्षा गुरु दिया तो जो भी शिक्षा गुरु है सब समान ऑल इक्वल शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ऑल इक्वल एकॉर्डिंग टू तत्व बस स्टिल जब भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब एक है तत्वों तो का अनुसार दोनों एक है बस फिर भी अगर दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बत्म सारे उपस्थित है एक जगह मेरा कर्तव्य है हमारा दीक्षा गुरु का चरण में प्रणाम करना क्योंकि उन्होंने मेरे को दिव्य ज्ञान दिया संबंध ज्ञान करवाया उसका दिया सो so, शिक्षा गुरु के तो जानी किसने स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठो दुरु हमने बताया है सब विचार भागवती महापुराण में एक श्लोक आता है ए चैत्य गुरु अबाउट चैत्य गुरु वी हैव डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन भागवतम ब्रह्मा स्वयं ये श्लोक कह रहा है ब्रह्मा का मुखार से ये श्लोक निकाला है ए? नोपयतीपचिती कवयस्तवेश्द स्मरत योत्तनुभृताशुभा विधन्वन आचार्योचैत्रवपुषा सगतिम बैनक्ति क्या बोल रहा है इट इज द डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चैत्रगुरु इनसाइड ऑल डायरेक्ट हो ब्रह्मा स्पीकिंग नो उपयपचित कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापी कृत मृद्वुद स्मरत यहीस्तुताशुभा विधुन्वन आचार्य चैत्रवपुषा स्वागतिम विनि एन गीता गीता में भी है ते साम षतोतो जुक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम् ददामी बुद्धियोगम तम् जेनो माम उपयान्ति ते सो मेनी लोग में ते साम षतोतो जुक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम् ददामी बुद्धियोगम तम् जेनो माम उपयान्ति ते जो लोग भगवान का साथ हर वकत संबंध जोड़े हुए रहता है जो सब भक्तों लोग हर वक़्त कंटिन्यूसली दे आर इन टच विद भगवान ऑलवेज कैन रिमेंबर वॉकिंग ईटिंग फीजिंग ऑलवेज ते फॉर देम सततुक्ता नाम दो आर इन डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ मी ते ये लोगों के लिए जो लोग हर वक्त मेरा साथ संबंध जोड़ के रखता है और प्रीति 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 पूर्वक मेरे को भजन करता है प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है इन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं बुद्धि योग बुद्धि योग मैं देता हूं ऐसा बुद्धि योग देता हूं कि शरीर छूटने का साथ साथ मेरा पास आ जाए समझा गजेंद्र मोक्षण गजेंद्र मोक्षण में अल्टीमेटली आशीर्वाद है देर इज वन ब्लेसिंग गजेंद्र मुखन देर इज वन स्पेशल ब्लेसिंग गजेंद्र मुखन भगवान देर इज रिच इन गजेंद्र हमने तुमको जो उद्धार किया गजेंद्र मोक्षण लीला जो व्यक्ति सुबह में उठकर वैन यू कैन ब्रेक योर स्लिप इन द मॉर्निंग टाइम सुबह में उठकर नींद खोला हर वक्त आंखें मोद कर जो गजेंद्र मोक्षण का चिंतन करे ग्रहराज कुमेर मैं कोकोडाइल, गजेंद्र को पकड़ा है वहाँ हरि सुदर्शन लेकर आ रहा है ये छवि परम माधव से मारे कैलकाटा मठ में है कैलकाटा मठ बड़ा माधवो से माया रामानुज ओरिजिनल फोटो रामानुजा का ओरिजिनल फोटो सब है सब ओरिजिनल मेन पोर्ट्रेट ओरिजिनली देख के लिखा दैट टाइम नो कैमेरा तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है गजेंद्र मोकशुन लीला में जो व्यक्ति सुबह में जग कर हमारा गजेंद्र मुख्य लीला का कोई चिंता करता है वो जहाँ जब सोरी छोटे वो जहाँ जब भी सोरी छूटे मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ भगवान आशीर्वाद कर रहे हैं सुबह में उठकर जो डेली हमारा गजेंद्र मोक्षण लीला का चिंतन करता है इसका मरने का टाइम में ड्यूरिंग डेथ लिविंग टाइम बॉडी हम उसको बुद्धि योग देता हूँ आशीर्वाद ही कैन रिमेम्बर एंड ऑल्सो नृसिंग भगवान प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दे रहा है दुनिया को प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज और निशिंगो देव दोनों का बीच का व्यवहार प्रीति लव फुल ट्रांजेक्शन बिहेवियर देव भागवत महापुराण में सेवेंथ कैंटो सप्तम स्कैंडो में निशिंगुदेव स्वयं बोल रहा है, निशिंगुदेव स्वयं बोल रहा है, पर इफ समबरी गोइंग टू रिमेम्बर यू एंड मी, तंचो मांचो स्मरण काले, कर <laughs> काले कर्म बंधात प्रमुच्छति, आशीर्वाद कर रहे हैं, स्लीप, तांचो मांचो स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्छति, पर महाराज को निशिंगुदेव कह रहे हैं, जब कोई तुम्हारा और हमारा टॉपिक चिंता करे तो ये कर्मबंधन से छूट जाएगा नो no कर्म मामचो स्मरण काले कर्मबंधात प्रमुच थे आशीर्वाद <laughs> है सो इफ यू कैन रिमेम्बर निशिंग ऑटोमेटिकली तो यह आशीर्वाद किया है ये ब्रह्मा भगवान को प्रेयर कर रहे हैं भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हे ईशो हैं ये है ये ब्रह्मा का नहीं है देवता लोगों का है तो यह लिखा हुआ है नोपयंती अपचितिम कवयस्तवेशो ब्रह्मा युषापी कृतम मृद्धमु स्मरत यो स्तनुवृतां अशुभाम विधुन्वन आचार्य चैत्र वपुषा सगतिम प्यनि यह बोल रहे हैं ये ब्रह्मा का कमेंट नहीं है ब्रह्मा का नहीं है ब्रह्मा का कमेंट नहीं है दूसरे का है सो so, ये देवता लोगों का शायद है हे hey, ईशो देवता लोग प्रेयर कर रहे हैं भगवान को हे hey ईशो, हे hey ईश्वर ब्रह्मा का मापिक लाइफ स्पैन ब्रह्मा का मापिक आयु लाइफ स्पैन ब्रह्मा जैसे लंबा जीता है ना ब्रह्मा का मापिक आयु माने लाइफ स्पैन ले कभी कभी शक्ल तुम्हारा स्मृति का रिलेटेड आनंद तुम्हारा स्मृति तुम्हारा स्मृति संबंधित आनंद के द्वारा तुम्हारा चरण में हर वक्त कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड स्वीकार कर करने में समर्थ नहीं है एनी अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय एनी बॉडी इवन हैविंग लाइफ स्पैन लाइक ब्रह्मा इज नॉट सफिशियंट फॉलो ब्रह्मा का मापिक इतना लंबा आयु ए लेने का बावजूद तुम्हारा कृपा तुम्हारा स्मृति ओरिएंटेड तुम्हारा स्मृति संबंधित जो आनंद धारा है और जो तुम्हारा जो तुम्हारा चरण का जो कृपा है तुम्हारा चरण में ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता स्वीकार करने में दे आर नॉट सफिशियंट क्योंकि आप स्वयं क्योंकि आप स्वयं क्योंकि आप स्वयं क्योंकि आप स्वयं अपार करुणा के मारे देहोधारी और शरीरधारी जीवों का लिए आप इन लोगों का अशुभ अमंगल नाश करने के लिए आपने क्या किया स्वयं अंतर्यामी स्वयं स्वयं अंतर्यामी रूप स्वयं अंतर्यामी स्वयं अंतर्यामी रूप में आप है चैत्य गुरु का रूप अंतर्जामी परमात्मा अलग है और परमात्मा है और चैत्य गुरु रूप गुरु है अंतर्जामी तो साक्षात खेरोद को साई अंतर्जामी जो परमात्मा ये साक्षात अनि खेरो खेरोद को साई खेरो को शाई खिरद को साई अनिरुद्ध विष्णु खेरोद को साई खेरो को तो शाई अनिरुद्ध विष्णु जो है वो स्वयं परमात्मा के रूप में चैत्य गुरु का रूप में भगवान विराजमान नहीं है चैत्य गुरु का रूप में परमात्मा सामव्य है एंड चैत्य गुरु ही है तो देवता लोग कह रहे हैं इवन आफ्टर गेटिंग ए लाइफ स्पैन लाइक ब्रह्मा दे कैन नॉट एक्सप्रेस सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड योर ब्लेसिंग योर करुणा मार्सी दे आर नॉट एबल टू पे ग्रेटिट्यूड सफिशियंट इवन आफ्टर गेटिंग लाइफ पैन लाइक ब्रह्मा ब्रह्मा का मापिक आयु पकारने का बाद भी वो लोग आपका चरण का जो करुणा है इसका प्रतिदान दे नहीं सकता संभव नहीं है क्यों आप अंतर्यामी रूप में क्यों आप अंतर्यामी रूप में अंदर में विराजमान हैं ऐट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग एज अ दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भगवान आप दीक्षा गुरु शिक्षा रूप के सामने आ जाते हो एज अ ह्यूमन बींग गुरुदेव इज लाइक ह्यूमन बींग सामने आ जाते हो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में और एट द सेम टाइम आप अंदर में अंतर्यामी रूप में चैत्र गुरु रूप में अंदर में बैठते हो दोनों तरफ से यू आर ट्राइंग टू तो प्रोटेक्ट आस फ्रॉम फॉल्ट एम ऑल द टाइम नीड नीड ओनली नीड अवर कॉन्शियसनेस लेवल टू ग्रो नथिंग एल्स जो भी है तेजा सततुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धियुगम ताम जेनो मम उपज ते यहाँ तक अपना चर्चा का सीमित रखना जरूरी है आज यहाँ बाद में आ, कभी चर्चा होगा काल काल चैत्र गुरु रूप में और गुरु रूप में कैसे भगवान अपने को प्रकाशित करता है जगत जीव को बचाने के लिए इसका बारे में काल थोड़ा चर्चा हो पाएगा नौ चैतन्यद कृष्णाद जगती परतत्व परम्यो वाचकल पद्वश के पास पतितानंग तान पावन पो वैष्णवभ्य